सभी फेसबुक मित्रों को मेरा प्रणाम। सज्जनों, आज देश में बड़ी विकट परिस्थिति है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी ये भूमि राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, माँ भगवती राजराजेश्वरी की भूमि है, काशी विश्वनाथ की भूमि है, गंगा जी की भूमि है, जमुना जी की भूमि है, भगवान श्री शेषनाग जी की भूमि है, जाक समेश्वर जी की भूमि है, भगवान मटिया महाराज की भूमि है, नागराज जी की भूमि है। हमारा उत्तरकाशी आज भी भगवती की कृपा से अभी जीरो है, जो आजकल जो वायरस फैला हुआ है। लेकिन आपने एक चीज विचार किया होगा कि ये प्रकृति का आदेश है कि कुछ दिन अल्प विराम लीजिए, ताकि हम जो भी कुछ गड़बड़ हो गया है वातावरण में, प्रदूषण, वो ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही है, ये मेरा मत है, ये मेरा मानना है। और ये महामारी हमारे देश से जल्दी निकल जाए, इसके लिए सबसे जो त्वरित साधन है वो है भगवती अम्बा स्तुति प्रकाश्यते। स्वयं भगवान शंकर ने जब माँ भगवती जगदम्बा श्री राजराजेश्वरी जी से पूछा, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम बृहयत्नतः। हे देवी, आप ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जो कलयुग में लोग सुखी रहें, आनंद में रहें, बिना घबराहट के रहें, बिना भय के रहें। तो तब मां भगवती ने कहा, हे शिव जी, तुम हमारे परम स्नेही हो, इसलिए ये बहुत रहस्यमय है, पर क्योंकि स्नेह आपसे इसलिए आपको बता रही हूं। अम्बा स्तुति प्रकाश्यते, केवल एक साधन है भगवती अम्बा की स्तुति। सज्जनों, दुर्गा सप्तशती में कहा है, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तुकामान शकलान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणा त्वमाश्रिताः श्रियतां प्रयन्ति। ऐसी विकट परिस्थिति में जब सारा संसार रोग से भय युक्त है, तो केवल मां भगवती की शरण एकमात्र नौका है जो इस रोग भव रोग से पार करे। सज्जनों, मैंने सुना है कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, आप भगवती के बड़े उपासक हैं, बड़े भक्त हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मां भगवती की प्रेरणा से वो जो भी निर्णय ले रहे हैं वो बहुत ही शास्त्रप्रद है, बहुत ही सनातन है, बहुत ही आनंदमय। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई घंटी बजाइए। हमारी सनातन पद्धति में जब पूजा का आरंभ होता है, जब हम देवताओं को बुलाते हैं, असुरों को भगाते हैं, उनको संकेत करते हैं, आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम सर्वभूत हितार्थाय घंटानादं करोम्यहम्। उन्हें बिल्कुल विधिवत घंटानाद करवाया कि हे राक्षस, हे कोरोना राक्षस, तू भाग जा, अब हमारी भारत माँ के जो देवता हैं जाग गए हैं, भाग जा। फिर उन्होंने दीपक जलाया, क्योंकि जो असुर है वो अंधकार है और दिया ब्रह्म है। ब्रह्म असुर का संहार करेगा, दिवा अंधकार का संहार करेगा। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जैसे हमारे मुखिया जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अब कई लोग घर में तो रह रहे हैं लेकिन काम क्या कर रहे हैं। अरे आजकल जब घर में रहने का मौका मिला है, अपना मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए,
ऐसा मौका बार बार कभी सवाल ही नहीं अगर कोई विमर्श करे कि आप घर में बैठ जाओ, लेकिन आज घर में बैठना पड़ेगा, बैठना ही है। ये ऐसी लड़ाई है जो घर बैठ के जीती जाएगी। ऐसी प्रार्थना है आप सबने घर में बैठ के क्या करना है, विषय ये है। सज्जनों, हम नित्य प्रातःकाल उठ करके हवन करते हैं और उसके बाद प्रसाद पा करके भगवती गौ माता की सेवा में लग जाते हैं और गौ माता की प्रेरणा से माँ भगवती कटकाण निवासिनी श्री राजराजेश्वरी जी की प्रेरणा से भगवती गंगा जमुना जी काशी विश्वनाथ भगवान श्री शेख नाग जी जाग समेश्वर जी की प्रेरणा से जो मन में विचार आता है कि कितनी भाग दौड़ में हमारा जीवन व्यतीत हो गया है। जीवन जीने के लिए हम भाग दौड़ करते हैं, लेकिन देखो आज कैसा समय आ गया है कि जीवन जीने के लिए हमें अल्प विराम करना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। आइए हम सब मिल करके मनन करें, संकल्प करें कि अगर अपने देश को सुरक्षित रखना है तो नियम होना चाहिए, संयम होना चाहिए और इसके लिए हमें संकल्पित होना पड़ेगा। और दूसरे पर नहीं देखना कि ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ अपनी भारत माँ के लिए, अपनी धराधाम के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे समय। इसलिए जो पढ़े लिखे भाई हैं, समझदार बंधु हैं, वो लोगों को समझाएं, अफवाह पर यकीन न करें। कुछ लोग गलत गलत पहले ही निर्णय ले लेते हैं, ऐसा बढ़ जाएगा। वे प्रार्थना है शांति से अपने घर में बैठे रहिए और सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसका अनुसरण कीजिए। आज हम सबका धर्म है, हमारे भी कई कार्यक्रम थे, हमारे जो है सब कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं, हमें उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि देश के लिए जीवन की रक्षा सबसे बड़ी चीज है। देश की रक्षा आज हमारा धर्म क्या है, आज हमारा सबसे बड़ा धर्म है अपनी देश की रक्षा। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो वो धर्म शक्तिमान बनकर के हमारी रक्षा करता है। और आज हमारा धर्म है देश की रक्षा, समाज की रक्षा, व्यक्ति की रक्षा। इसलिए और इसका एक ही मंत्र है, माँ भगवती की आराधना अपने घर के अंदर, अपने मन के अंदर। ये मन सबसे बड़ा मंदिर है, मन के अंदर अर्थात मंदिर। और भगवती जगदम्बा और परम शक्तिमान, नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भगवान हनुमान चालीसा का नित्य पाठ आपने आज से ही आरंभ कर दीजिए। हनुमान चालीसा का हनुमान जी पूरे संसार में विचरण करते रहते हैं और खास करके हमारे इस हिमालय में, इस भारत भूमि में सबकी रक्षा करेंगे। माँ भगवती की प्रेरणा होगी, सब आनंद होगा। कुछ ही समय है, कठिन समय है, निकल जाएगा। बहुत जीवन पड़ा है घूमने फिरने के लिए, अभी का जो समय है वो केवल और केवल समझने के लिए है। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप सब घर में रहिए, आनंद में रहिए और इस समय को निकालिए और अनावश्यक न बातें फैलाओ और न सुनो, केवल और केवल जो सत्य है उस पर यकीन करो और भगवान से प्रार्थना करो। माँ भगवती जगदम्बा श्री राजराजेश्वरी जी, माँ भगवती गंगा जी जमुना जी का ये देश, उन पर यकीन कीजिए और इस भयावह जो ये रोग है इससे अवश्य मुक्ति होगी, जरूर मुक्ति होगी। ऐसी हमारी गौ माता का आशीष हमारे साथ है, हम सब लोग सुरक्षित करेंगे। और गौ ग्रास आपने जरूर निकालना, जरूर जरूर से जरूर गौ ग्रास। आइए सब सुरक्षित रहिए, आनंद में रहिए। हमारे लिए तो हमेशा ही लॉकडाउन है जी, हो सकता है परेशानी थोड़ा उन भाइयों को होती है जो बहुत
ज्यादा भाग दौड़ में लगे रहते हैं। हमारे पहाड़ों में देखो क्या घूमना फिरना बहुत सुंदर, एकांत वनों में वास करना कितना आनंदमय। और मैं तो समझता हूं कि प्रकृति ने ये आदेश किया है कि थोड़ा विराम लो, मैं इसको जरा ठीक करती हूं। तो सब लोग शांति का दान दें, आनंद में रहे, बाजार कम जाएं, घर पर ही रहे, भगवती के राख रहे। भारत माता की जय, हर हर महादेव।